नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोतर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धनवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोतर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परिणत महाराज कलि को चार जगह पर स्थान दिया है। अगर कलियुग में कोई ये केवल ये चार नियम का पालन कर ले, पालन करके भगवान का थोड़ा हरिनाम कीर्तन करे तो उसको संसार से उसको पार हो जाएगा। चार नियम, पहला नियम है किसी तरह का जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाता है। दूसरा चरण है किसी तरह का नस्ली वस्तु व्यवहार नहीं करनी चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, चाय, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने से धर्म का दूसरा चरण जो तपस्या ये नष्ट हो जाएगा। जो तीसरा चरण है स्त्रियम, स्त्रियम मतलब होता है अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए। धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाता है। और जो चौथा चरण है किसी तरह का जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन इसको खाने से हृदय से दया की भाव खत्म हो जाता है। केवल ये चार नियम का पालन करे और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस कितना प्रभु का नाम कीर्तन करने पर जीव का परम कल्याण हो जाएगा। एक दिन श्री परिकेत महाराज ने एक दिन उन्होंने भ्रमण करते करते जब जंगल में पहुंचे, आज उनको इतने जोर से प्यास लग रहा था जिंदगी में कभी ऐसे लगे ही। करते करते एक ऋषि को आश्रम पर पहुंचे, वहां पर पानी मांगे, लेकिन वास्तव रूप में वो ऋषि भजन ही कर रहे। अभी हमारा जैसे भजन नहीं, एक मिनट भी भजन में नहीं लगे। हरि नाम तो करते हैं, मन हमारी इधर उधर भटकता है, लेकिन पहले ऋषि मुनि जब भजन करते थे महीना महीना तक इनका ध्यान ही नहीं चूकता था, एकदम प्रभु की भजन में मस्त हो जाते थे। वो सचमुच से भजन कर रहे थे, उनको पानी पानी बोल करके बहुत उनने चिल्लाया, लेकिन ऋषि के आंख ही नहीं खुली। बोले देश का मैं राजा हूँ, पानी मांगने के लिए आया, थोड़ा पानी भी नहीं दे सकते। वहां पर एक बड़ा हुआ सर्प बड़ा हुआ था, उन्होंने इनको गले पर डाल कर चले गए। जब उसको बेटे को पता चला, परिणत महाराज आकर के मेरे पिताजी गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया, उन्होंने कौशल्य नदी की पानी को उठाया और उन्होंने मंत्र पूछ करके अभिशाप दे दिया। पर जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाल करके चले गए उनको सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करेगा। उन्होंने अभिशाप देकर के रोने लग गए। जो रोने लग गए ऋषि की नेत्र खुल गए, सामने देखा बेटे को रोया हुआ। बोले बेटा क्या बात है? बोले परिकृत महाराज आश्रम पर आए। बोले परिकृत महाराज आए, हमारा अहोभाग्य है। परिकृत महाराज कौन है? जिसने मातृ गर्भ में उन्होंने भगवान को दर्शन किया है। हम लोग तो कितना कठोर तपस्या करके कहीं भगवत दर्शन हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने मातृ गर्भ में उन्होंने कृष्ण दर्शन किया। वो परम कृष्ण भक्त थे, अहोभाग्य हमारे आश्रम पर आए। बोले हाँ। बोले फिर क्या हुआ? बोले आपको पानी मांगा, आपने पानी नहीं दिया, आपको गले पर मरे हुए सर्प को डाल कर चले गए। फिर बोले फिर क्या? मैंने उनको अभिशाप दे दिया। सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन कर। ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया। बोले नालायक,
तुमको बताए परिगृह महाराज को, जिनकी कृपा से हम स्वच्छंद रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परम कृष्ण भक्त हैं, हैं? उनको पानी तो दिया ही नहीं और उल्टा उनको अभिशाप दे दिया उनको। मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को मैं भी अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप देता हूँ? कहते पहले ब्राह्मण जो कुछ बोलते थे वो सच हो जाता था, लेकिन मैं भी अभिशाप देता हूँ आज से ब्राह्मण का जो बात शक्ति वो सब के सब खत्म हो जाए। उसी दिन से ही उनकी जितने शक्ति बाघ शक्ति सब के सब खत्म हो गया। तो उन्होंने अभी यहाँ प्रश्न होता है, अभी परिगृह महाराज आए इतना चिल्ला चिल्ला करके गड़ा गला को फाड़ फाड़ करके ऋषि को बुलाए, लेकिन ऋषि का आंख ही नहीं खुली। लेकिन अपना बेटा आकर के थोड़ी सी रो लिया ना, आंख खुल गई। इसका क्या मतलब है? क्या ये परिगृह महाराज दूसरे थे और ये बेटा था इसलिए आंख खुली? बोले नहीं, ऐसे नहीं। इसका दो कारण बताए, इनके आंख क्यों खुली नहीं बात खुल गई थी। कहते पहला कारण बताए, अभी श्री परिकृत महाराज को उपलक्ष्य करके ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकाशित होने वाला, इसलिए भगवान की जोग माया ने देखा अगर ऋषि अगर ऐसे बैठ रह जाए, लेकिन परिकृत महाराज को तो पता तो चले इनके पास में कुल 7 दिन है, 7 दिन के अंदर में जो कुछ करना करे। और फिर उन्होंने राज्य छोड़ करके सुखताल में जाएंगे, वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, वहां पर भागवत कथा वहां पर होगी हैं। लेकिन अगर ये भजन में बैठ गए तो इसे काम ही नहीं होगा, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि परिगृह महाराज परम वैष्णव है। अगर आपका घर में कोई वैष्णव आए, अगर आप उनका आदर नहीं मिले, फिर क्या होगा? ये वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने बताया वैष्णव अपराध 6 तरह से वैष्णव अपराध होता है। वो क्या क्या है? बोले हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णवानां जे अभिनिंदति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानि सत। पर ये 6 व्यक्तियों का पतन होता है। बल्कि किसको किसको? अगर कोई साधु को मार डाले, हंति मतलब मार डालता है, निंदति अगर कोई वैष्णव का संतों को कोई निंदा करे, अभिनिंदति अगर घर में कोई भक्त आए, लेकिन घर में भक्त आए लेकिन आप उसको अभिनंदन नहीं करते हो, आप उनको स्वागत नहीं करते हो, बोले क्रुद्धते अगर किसी साधु को देख करके तुम्हारे अंदर में क्रोध आ गया है। इसलिए ये सब के सब एक एक वैष्णव चरण में भक्त चरण में अपराध। लेकिन इनके घर में परिकृत महाराज आए, लेकिन परिकृत महाराज को पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? वैष्णव चरण में अपराध हो गया। अगर अपराध होगा तो भक्त चरण में उसका फल क्या है? बोले तुम्हारी जो भक्ति है ना, ये भक्ति तुम्हारी घट जाएगी, भक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मानो उनके हृदय में जो भगवत स्मरण हो रहा था, हृदय में जो भगवान की स्मृति आ रही थी, वो स्मृति खत्म हो गया, इसलिए इनकी आंख खुल गई। जब उन्होंने ये बात को बताई, बोले कम से कम परिकृत महाराज को पता चले। क्या पता चले? इनको पास में शादी है। तो उन्होंने एक गौरव मुख है बालकों को बुलाया, बोले बेटा जाओ परिकृत महाराज की खबर दो, अगर आपको कोई आकर के बोलते आप 7 दिन में मरने वाले हैं। कितना दिन में? कितना दिन में? अब क्या होगा? बोले हम तो आधा ही मर जाएंगे अगर बोल दिया। लेकिन परिकृत महाराज दुखी नहीं हुए, परिकृत महाराज प्रसन्न हो गए। बोले किस लिए? बोले मरने से देखना 1 मिनट पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला, पता चलता है नहीं। लेकिन परिकृत महाराज बोले मेरे भाग्य जग गया, देखो ठाकुर जी हमें 7 दिन हमें मौका दे दिया, ये 7 दिन के अंदर में मैं भगवान की भजन कर सकता हूँ, भगवान की मैं भक्ति कर सकता हूँ। इसलिए उन्हें दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के देखो ये ठाकुर का आशीर्वाद उन्होंने माने, क्योंकि एक यज्ञ होता है सर्प बाद में जो जन्म जय ने परिकृत महाराज को जो बेटा था, जब ये तक्षक ने परिकृत महाराज को डांस दिया तो उन्होंने यज्ञ किया था, जो सर्प मारने का यज्ञ किया था, सारे सर्पों को मंत्र को द्वारा उन्होंने सब गंगा ने स्वाहा स्वाहा कर दिया।
ये मंत्र मार के का यज्ञ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। मतलब क्यों नहीं किया? तो ठाकुर जी के मेरे ऊपर में कृपा है, आशीर्वाद है, 7 दिन कम से कम सब छोड़ करके भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, भगवान की भजन कर सकता हूँ, ये मौका को क्यों खोऊं? इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना बेटे को राज सिंहासन में स्थापन करते हुए उन्होंने कहाँ पर चल गए, सुख कालिक स्थान है वहीं पर गए, गंगा किनारा में गंगा को आश्रय करके भी वहां पर बैठे। बोले क्यों? बोले जो गंगा है ये भगवान की चरणामृत है और भगवान की चरणामृत और भगवान में कोई फर्क नहीं। की वस्तु चरणामृत का आश्रय करना मतलब ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय लिया है। पहले साधु संतों के पास में टेलीफोन नहीं, टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन इस संतों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। सारा दुनिया में जितने संत साधु थे, क्या पता चला यहाँ पर श्री हरिकृत महाराज का अभिशाप लगा, सुखदेव गोस्वामी आएंगे, यहाँ पर भागवत कथा होगी, वहां पर 88,000 ऋषि लोग एकत्रित होंगे। श्री परिकृत महाराज बोले आज भाग्य जग गया है। बोले क्यों? बोले जीवन में एक साधु दर्शन जीवन में बड़ा कठिन, लेकिन आज यहाँ पर कितना साधु बैठे, 88,000 संतों का दर्शन, मेरा तो भाग्य जग गया है, हैं? भाग्य जग गया, मेरा तो कल्याण हो गया। तब श्री परिकृत महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके बताओ अद्यवा अब्द सतांतेवा मृदुवयी प्राणिनाम को, आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, सबको मरना ही है, कोई ये नहीं बोल सकते है मेरे मैं मरूंगा नहीं। बताओ कौन नहीं मरेगा? बोलो, एक दिन सबको मरना है ना। जब सबको एक दिन मरना, आज हो नहीं तो कल हो नहीं तो परसों हो नहीं तो बरसों हो, सबको मरना। जब जो मरणशील जो व्यक्ति है जो एक दिन जरूर मरेगा उसका क्या कर्तव्य है? लेकिन वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, ये सबके सब अलग अलग बात बोलने लगे। इसने कहा भैया एक काम करो, मृत्युंजय कवच का पाठ करो, जिसको पाठ करने पर मृत्यु को तुम जय कर लो। किसने कहा मृत्युंजय पाठ तो 9 दिन लगता है, लेकिन इनको पास में कितना दिन है? इनको पास में 7 दिन ही, ज्यादा दिन तो है ही नहीं है। किसने कहा भैया नवदुर्गा की व्रत रख लो? बोलो भैया वो भी तो 9 दिन है, लेकिन इनको पास में कितना समय है? केवल 7 ही दिन इनको पास में। इसलिए वहां पर कोई तप, कोई यज्ञ, कोई तपस्या, सबके सब अलग अलग बात बताना शुरू कर दिया। बोले नासो मुनि जस्य मतम न भिन्नम, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं थे जिनका मत अलग नहीं था, सब अलग अलग बात कर रहे। इतने में परिकृत महाराज सोच रहे हैं, जितने वेद पुराण उपनिषद हैं, अगर सारे शास्त्र को अगर निचोड़ हम लेते हैं, सारे ऋषि मुनिया अगर सारे शास्त्र को ग्रंथों का अध्ययन करें, लास्ट में एक ही सार निकलेगा, निष्कर्ष क्या है? श्रोतव्य कृतितव्यस्य समर्तव्यम् इच्छता भयम्। अगर ये संसार में कोई अभय पाना चाहते हैं, उनको 3 काम करना पड़ेगा, श्रोतव्य भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, कृतितव्यस्य भगवान का नाम करना पड़ेगा, और स्मर्तव्य मतलब भगवान की स्मरण करना पड़ेगा। यद्यपि एक ही सार निकलेगा, लेकिन देखो ये ऋषि लोग तो आपस आपस में तर्क वितर्क करने लगे हैं, लेकिन कहा वर्षा जब कृषि सुखा है मेरे पास में 7 दिन, अगर ऐसे शास्त्रार्थ करते करते अगर इनका पूरा जीवन अगर चला गया, ज्यादा समय चला गया, लेकिन मेरे पास में तो 7 ही दिन है, इसलिए मेरे पास में हरे कृष्ण लगता है आपकी इसको गड़बड़ी है, इसको बदला तो नहीं। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की, थोड़ा तेज कर दो इसको। इसलिए उन्होंने देखा मेरे पास में कुल 7 ही दिन है, इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए। इन्होंने अपना मन मन में श्री ठाकुर जी को स्मरण किया, बोले ठाकुर जी जब मैं माँ के पेट में था, हरे कृष्ण क्या करते हो, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पर ये सारे मायके सही, केवल मेरा मायके गड़बड़ करते हो। अरे चार दिन हो गया अभी तुम सेटिंग नहीं करवा है। हरे कृष्णा, और उधर तेज करो, हरि बोल, और उधर तेज करो, हरे कृष्णा हरि बोल। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की, बोले मेरे पास में, बोले ठाकुर जी आप ही मेरे को मातृ गर्भ में, जब मैं उत्तरा की माँ के गर्भ में था, अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था मारने के लिए, ठाकुर जी ही उनको ब्रह्मास्त्र से उनको बचाया था, आप ही मेरे को बचाए अभी मेरे अंतिम समय में। मेरे की एक इच्छा और कोई इच्छा नहीं, क्या इच्छा है, 7 दिन तक तुम्हारी कथा सुनते सुनते जैसे मेरे समय बीत जाए, अब केवल इतना ही व्यवस्था कर दो, जब न हृदय से भगवान को पुकारे तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, जोर से बोलो, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। बोले तम दुष्ट वर्ष सुकुमार पाद, कहते कितने उम्र था हमको, बोले 16 साल की उम्र, नंगे धड़गे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, दिगंबर है, कभी कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रही, कभी कृष्ण प्रेम में लौट पोट खाते ही, कृष्ण प्रेम में कभी कीर्तन करते हुए चल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पागल है। बच्चे लोग तो धूल झोंक रहे थे और स्त्रियां तो जिनकी रूप को देख देख करके बाबरी हो रही थी, अरे इतने सुंदर, देखने में कृष्ण जैसे अद्भुत सुंदर थे, देखने में, देखने में तो बड़ा सुंदर है, लगता है जैसे पागल हो गया है। पागल तो है ही है, लेकिन किस चीज की पागल थे, बोले कृष्ण प्रेम में वो पागल थे, कृष्ण भक्ति में वो पागल थे, लेकिन करते करते जब ऋषि मुनियों को पास में पहुंचे, ऋषि मुनि इनके शरीर में जो प्रेम का जो 8 जो लक्षण है, स्वेद कंप अश्रु विपुलक विवर्ण वैवधु, ये जो 8 जो विकार, उसको देख करके ऋषि मुनियों को समझ गए, भैया यही व्यक्ति परीक्षित महाराज का सही प्रश्न देंगे। लेकिन वहां पर कौन कौन बैठे हुए थे, इनके पिताजी बैठे हुए थे, कौन पिताजी, इनके श्री व्यास थे, उनका भी गुरु जी नारद बैठे हुए थे, उनको भी गुरु जी उनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता बैठे हुए थे, हैं, कोई 100 साल की, कोई 200 साल की, कोई 500 साल की, लेकिन जब इन्होंने प्रवेश किया, ये सबसे छोटे थे, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते हुए सबका आदेश को लेकर के सीधा उन्होंने व्यास गति पर बैठ गए। बैठ गए तो श्री परीक्षित महाराज, इन्होंने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि जोगिनां परम गुरु पुरुषस्य जत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके, अतः पृच्छामि संसिद्धि, मतलब है आप कृपा करके हमें ये बताओ, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीवन में और कुछ पाने का बाकी नहीं रह जाता है। आप देखो इसी जगत में भले ही एक व्यक्ति का जितने पैसा हो जाए, एक फैक्ट्री हो जाएगा दूसरे फैक्ट्री के लिए तैयार रहता है, एक मकान हो जाए दूसरा मकान बन जाए, टाटा बन जाए तो उसी का रिलायंस कंपनी वाले बन जाओ। आप इसी जगत में देखना भले ही एक व्यक्ति को पास में जितने पैसा क्यों नहीं हो, अभी भाई पूरा हो गया इसका मन, कभी किसकी इच्छा पूरी हुई है, बोलो किसकी इच्छा पूरी हो गई, और कुछ हमको नहीं चाहिए, किसकी इच्छा पूरी हुई है, जगत में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए हम कहते ना कमाई कमाई कमाई, मतलब क्या है, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए जगत में कोई भी जगत में कोई भी जगत में तृप्त नहीं हो पाते हैं। क्या हो गया, लाइट के सही चल रहा है। हरे कृष्ण हरे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
को इतना दिन हो गया कि इतना घर में माइक सेटिंग नहीं करता। तो हम लोग वहाँ गए थे छोटी सी माइक में पूरा कुछ नहीं करते। हरे कृष्ण ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक 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 माइक पे ठीक है तो ये आवाज क्यों हो रही है आपको नहीं पता है? हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक को ठीक कर दो। जिसको बढ़िया सेटिंग आता है ना एक व्यक्ति को ले आना, एक दिन सेटिंग करके चला जाएगा और सही रहेगा। हरे कृष्ण केवल एक को ठीक कर दो, आवाज बनने दो, कोई बात नहीं, केवल इसको थोड़ा साउंड ठीक ठीक है और हाथ मत लगाओ। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि। इसलिए आप कृपा करके क्या हो गया हमारा छोटा भाई गया तो छोटा भाई गया। आप हमें कृपा करके ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव का जो मन है वो तृप्त तो हो जाए। जगत में इससे बढ़िया वस्तु श्रेष्ठ वस्तु जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। और पुरुषस्य जत कर्तव्य ब्रह्मणस्य सर्वथा। जो मरणशील जो व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप कृपा करके हमने जो पूछा और नहीं पूछा ये सब प्रश्न का आप कृपा करके आप उत्तर प्रदान करो। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न की तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पंडित जैसे आपका घर में कोई व्यक्ति आए, आते ही थोड़ी पूछने लग जाओ भैया क्या बात किस लिए आए, पहला क्या कर्तव्य है, उनको चैन से बैठने दो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, फिर आप पूछोगे आप किस लिए आप आए, ये नियम है ना। बोले अभी तक तो मेरे शरीर का पसीना ही नहीं छूटा और तुमने प्रश्न की एकदम झड़ी लगा, इसका तात्पर्य क्या? बोले परीक्षित महाराज बोले मेरे को पता है आप शरीर की जो साधु कहते आपका शरीर की जो साधु लोग है एक गृहस्थ घर में कितना समय तक रुकते हैं, कहते एक गैया दोहन करने में जितने समय लगता है उतना समय से ज्यादा आप कहीं रुकते नहीं। मेरे को पता है आप अभी आए और आप अभी चल पड़ोगे, इसलिए मैंने आपको प्रश्न किया है, आपको प्रश्न करके मैंने आपको बांध लिया, जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक यहाँ से आप नहीं आओगे, इसलिए आप प्रेम से अभी उत्तर देते रहो। अभी ये प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हुए। बोले बरियान ऐसे प्रश्न आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ये जगत के कल्याण करने के लिए आप प्रश्न किया, लेकिन ये परीक्षित महाराज के लिए प्रश्न नहीं है क्योंकि इन्होंने तो मातृ गर्भ में भगवान को दर्शन किया है, ठाकुर जी के गोद में जो लालन पालन हुए हैं
जिसने ठाकुर जी को दर्शन किया है, फिर इन्हीं के लिए ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न किसके लिए? हम लोगों के। क्योंकि जो संत है ना, कहते वसुधैव कुटुंबकम्, ये जो संत होते हैं वसुधा के, सब को वो अपना परिवार मानते हैं, वो अपना स्वार्थी नहीं होते हैं, जो कुछ करते हैं दूसरे के कल्याण करने के लिए करते हैं। इसलिए हे परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न किया ना, जगत का कल्याण के लिए प्रश्न किया, और आत्मवीत संवत पुंसा, जो प्रश्न आपने किया, जो आत्मवीत, जो आत्म तत्व को जो जानने वाले वे लोग भी तुम्हारी प्रश्न की सराहना करेंगे, क्या सुंदर प्रश्न किया। तब उन्होंने प्रश्न की उत्तर देते हैं, बोले उत्तर क्या देते हैं, बोले नित्रयार्यते नक्तम देवाय न जवाबयम दिवाच अर्थाय राजन कुटुंब भरण नवा। बोले हे परीक्षित, जगत में हम चार ही काम करते हैं। कितना काम करते हो, क्या क्या करते हो? कहते दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम। अगर सारे काम के इकट्ठे करोगे, देखो कि सारे काम चार ही काम में आ जाएगा। दिन में दो काम क्या करते हैं, पहले पैसा कमाओ, पैसा से अपना परिवार को भरण पोषण करो। एक काम पैसा कमाओ, दूसरे काम क्या है, पैसा किस लिए कमाते हो, अपना परिवार को भरण पोषण करने के लिए। दिन में दो काम, पहले रात में क्या करते हैं, एक सोते हैं और विषय वो करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। कहते कुल ये चार काम करते हैं हम लोग, और करके ये जीवन को हम ऐसे बिता देते हैं। लेकिन कहते हे परीक्षित, ये जो मानव शरीर मिला है ना, केवल ये चार काम के लिए ठाकुर ने नहीं दिया, ये चार काम तो देखो जानवर भी करते हैं। बताओ ऐसे कौन सा जानवर जो बच्चे जन्म नहीं करते? सूअर को देखो दस दस बार बार बच्चे जन्म दे देते हैं, वो भी बच्चे जन्म देते, वो भी सोते हैं, और हम तो हाँ खाने के लिए पता नहीं कितने परिश्रम करते हैं। 20-25 साल तक पैसा कमाओ, फिर नौकरी चाकरी करो, पैसा कमाओ, फिर जाकर के ये संसार को भरण पोषण करते हैं। बताओ ये जानवर लोग कौन सा स्कूल में गए, कौन सा यूनिवर्सिटी में गए, कौन सा नौकरी करते हैं? आसानी से घूमते फिरते हैं, खा पी करके मजा से सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं। देखो हमारे गुरु जी कथा सुना देते, बोले एक समय इसमें फर्क समझा रहे हैं, अरे हमें और जानवर में क्या फर्क है। बोले एक समय कोई एक जज जा रहा था, वो जाते समय जज ने देखा एक सुअर लेटा हुआ। उसने क्या किया, वो सुअर को जो बूट पहना था ना, वो बूट से बड़े जोर से मारे। वो मारते ही इतने में वो सुअर ने कहा, भैया तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? बोले तेरे को, बोले तू सुअर है, बोले तू कौन है, बोले तेरे को पता नहीं मैं जज हूं। तब वो सुअर प्रश्न करता है, बोले ये बताओ तू अपने आप को जज कहते हो, मेरे से और तेरे में फर्क क्या है? बोले एकदम फर्क है। बोले कैसे, बताओ क्या फर्क है? तो जज ने कहा, देखो सुअर प्रश्न कर रहा है, सुअर का पहला प्रश्न है, बताओ तुम साल में कितने बच्चे जन्म देते हो? बोले एक, बा किसी किसका दो हो जाता है। उसने कहा, जानते हो एक साल में मैं कितना जन्म देता हूँ, 10-12 से कभी कम नहीं, तेरे से मैं बड़ा हो गया। दूसरा प्रश्न किया, ये बता तुम बच्चों को पालना करने के लिए कितने दिन में उनको होनहार बनाते हो, कितना दिन में बनाते हो? 20-22-25 साल लगता है, जब तक हम बच्चे को शादीशुदा नहीं करा के हैं, उसको अपना घर गृहस्थ नहीं पकड़वा देते हैं, पिता माता क्या समझते हैं? अभी हमारी दायित्व पूरा नहीं हुई है, दायित्व पूरी नहीं हुई। इसने कहा, मैं तो कुल एक महीना में बच्चे को होनहार करके मैं छोड़ देता हूँ। कितना महीना में? एक महीना में। और तो 20-25 साल लगा दे। तो उसने बताया, ये बताओ तुमने खाने पीने के लिए क्या किया? बोले पहले माइनर स्कूल में, अरे हाई स्कूल में, अरे यूनिवर्सिटी में, कई डिग्री प्राप्त किया, फिर 10-10 घंटा काम करता हूँ और उससे पैसा रोजगार करके परिवार को मैं मेंटेनेंस करता हूँ। उसने कहा, भैया मैंने कोई यूनिवर्सिटी स्कूल हाई स्कूल कर गया है, मैं कहीं नौकरी भगत नहीं करता हूँ, मैं तो घूमता फिरता आसानी से मिलता है, खा करके सो जाता हूँ। तो उसने कहा, रात को तुमको नींद आती है? सूर्य प्रश्न करता है, तुम तो एयर कंडीशनर रूम में सोते हो। आप देखना जिनके घर में बड़ा समस्या है, बच्चों को पढ़ाई करना, जैसे बच्चों का शादी करवाना, बच्चों को नौकरी चाकरी दिलवाना,
आप देखना एयर कंडीशनर में हम गोली खाने पर भी नींद नहीं आती। सुअर कहता है मैंने तो कीचड़ में डल नम गति से भी बढ़िया है, ठंडा ठंडा है, हाथ प्यार फेंक करके रात भर में बढ़िया से सो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया तब जानवर और इंसान में फर्क क्या है, बोले फर्क ये है केवल ये इंसान ऐसे एक जीवन है जिस जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और इंसान के जीवन के सिवाय भगवान की भक्ति और कोई नहीं कर सकते हैं, केवल इतना ही फर्क है। इसलिए कहते धर्म ने हीना पशु भी समाना, अगर हम इंसान जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, शास्त्र कहता है कहते सींग और पूंछ कटे जाने वाले हम केवल दो प्यार के जानवर हैं, इंसान है ही। अगर इंसान कहते क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अभी बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तस्मात् सर्वात्मन राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृति तपस्य समर्थव इच्छता भय। अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते हैं, अगर कोई जीवन में शांति बना चाहते हैं, बोले तस्मात् सर्वात्मन राजन, बोले हे परिकृति महाराज, हे भारत, जो भरत वंश में जन्म ग्रहण किया है उसको क्या करनी चाहिए, उसको तीन काम करनी चाहिए। श्रोतव्य बोले भगवान की कथा सुनना, कीर्ति तपस्य भगवान का कीर्तन करे, स्मर्तव्य और भगवान का स्मरण करे, ये तीन काम करने के लिए बताए। लेकिन ये तीनों भक्ति के अंग में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग बोला कीर्ति तपस्य, भगवान का कीर्तन विशेष करके ये कलयुग में कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना I am the one who is 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 the one
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलयुग में विशेष करके भगवान के जो नाम कीर्तन है इसको द्वारा विशेष विशेष कल्याणदायक है। इसलिए जैसे हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे कोई एक पत्थर उठाओ, पत्थर को अगर पानी में फेंकोगे आप बताओ तो क्या होगा, पानी में क्या होगा, तरंग आएगा, लहरी आएगी। क्या उसी तरह जब हम भगवान की कीर्तन करते हैं इसका जो वाइब्रेशन है, ये जो तरंग चारों तरफ में ये तरंग फैलता है, तब इसकी आवाज जितने दूर तक इसकी आवाज जाए भगवान का कीर्तन का, कितना मंगल भवन है अमंगल हरि। इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगलाना, बोले भगवान का जो नाम है ये मीठे से भी मीठे है और ये मंगल से भी मंगलदायी। बोले सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयवा, अगर किसी तरह से भी एक बार अपना मुंह से भगवान का नाम निकल जाए बोले नर मात्र तारे, ये प्राणी मात्र वही भगवान का नाम उद्धार कर लेता है। इसलिए क्या करो महाप्रभु कहते हैं, उठते बैठते सोते चलते फिरते हर समय क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबके सब भगवान की नाम कीर्तन करो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राम। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब भगवान ये सृष्टि करना चाह रहे, बैठ जाओ। इसलिए भगवान जब ये जगत को सृष्टि करना चाह रहे थे तब भगवान की नाभि कमल से, देखो ये बीच में बहुत सारी जगह पड़ा हुआ, जहां पर जगह है वहीं पर बैठ। जब भगवान जगत को सृष्टि करना चाहते थे सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ में पानी ही पानी देखा, बोले मेरे सृष्टि कहां से हुई। फिर उन्होंने कमल नाड में संधान किया तो हजार साल तक बीत गया, उनको पता नहीं चला मेरे सृष्टि कहां से। फिर ऊपर में आए, फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुने, सोलमा और एकोसमा, बोले त और प, बोले तुम तपस्या करो। जब उन्होंने तपस्या किया बोले ज्ञानमी परम गुहम जद विज्ञान समन्वित सह रहस्य तदगंच गृहानम गदितमय। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है और उन्होंने बंसी ध्वनि को द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का कान में, हमारी संप्रदाय में जो गोपाल मंत्र देते हैं इन्होंने ये गोपाल मंत्र प्रदान किया और उन्होंने गोपाल मंत्र को जप करके ये जगत को उन्होंने सृष्टि किया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की, अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं सृष्टि का प्रारंभ करो, सर्वप्रथम मन से उन्होंने चतुसन को सृष्टि किया, सनक सनातन सनक कुमार अनसनंद। चतुसन को बोले देखो भगवान का निर्देश है ये संसार का सृष्टि को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़ी दुखदायी है, हम ये माया के संसार में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या भगवान का आदेश है संसार करने के लिए तुम मना कर रहे हो, हैं तुम मना कर रहे हो। बोले घर संसार नहीं करना चाहता, बोले नहीं, बोले मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप, बोले जैसे जन्म हुए ना जिंदगी भर ऐसे ही रहो। इसलिए आप चतुसन को देखोगे कभी भी बड़े होते हुए नहीं देखोगे, हर समय 5 साल की उम्र नंगे धड़ंगे सर्वत्र घूमते हैं। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप है तो वरदान है। बोले क्यों, बोले संसार का दायित्व किसके ऊपर है, बड़े व्यक्ति के ऊपर है, बच्चों के ऊपर कोई दायित्व है, बच्चे मस्ती से खेलते कूदते हैं,
बोले बढ़िया, अपने अभिशाप ने वरदान दिया, हम तो मस्त रहेंगे, प्रभु की भक्ति करते रहेंगे। खैर उन्होंने कर्दम अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि किया। जब उन्होंने श्री चतुसन को सृष्टि करके बोले संसार करेंगे नहीं, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, फिर उनको ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुए। तब शंकर जी को भी बोला भगवान का निर्देश है, ये संसार बड़ा। शंकर जी ने देखा, शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी है ना, हम शंकर जी की कहीं भी मूर्ति देखोगे देखना आंख बंद करके ध्यान में बैठे, हर समय प्रभु की चिंता में डूबे रहते। शंकर जी की इच्छा नहीं कोई घर गृहस्थी। उन्होंने देखा अगर मैं पिताजी को मना करूं ना, जैसे मेरे बड़े भाइयों को अभिशाप दे दिए, ब्रह्मा फिर अभिशाप नहीं देते, बोले ऐसे काम करो पिता अपने आप मना कर दे। इतने में शंकर जी जितने भूत विषाद सब सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को बोले कोई सृष्टि है ना, ध्वंस कर रहे हो, जरूरत नहीं इसे सृष्टि, बंद कर दो। बोले मैं तो यही चाह रहा था। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने दस बेटे को उन्होंने सृष्टि किया। फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और सतरूपा को सृष्टि की, अपना बाम अंग से सतरूपा और डान अंग से मनु महाराज को। अभी तक जो सृष्टि होती थी ये मानसिक सृष्टि होती थी, मतलब ये सबके सब मन से ही सृष्टि होती थी। लेकिन जो मनु महाराज हुए, फिर उन्होंने जो पति पत्नी का जो मिलन से जो सृष्टि है, कहते श्री मनु महाराज से सृष्टि हुई है। इसलिए इन्होंने तीन बेटी और उन्होंने दो बेटे को जन्म दिया। पिछले कल आप लोग ध्रुव जी की कथा सुन रहे थे, जो उत्थान पाद की कथा श्री ध्रुव महाराज जी कथा सुन रहे थे, कहते इनके जो तीन बेटी आकृति देवहूति और प्रसूति, ये तीनों बेटियां इतने सुंदर थी, जब ये आंगन में खेलती थी स्वर्ग में देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए, इतने देखने में ये सुंदर थी। तब उन्होंने कर्दम ऋषि जब कठोर तपस्या की, भगवान दर्शन दिया, उनका आंखों से जो आंसू निकला उससे एक बिंदु सरोवर हो गया। भगवान बोले बेटा वर मांगो। बोले मेरे को ठाकुर जी के चरण में भक्ति और प्रेम का। बोले तथास्तु। बोले और कोई चीज मांगो। बोले पिताजी मेरे मन में तो कोई संसार करने का इच्छा नहीं, लेकिन आपकी मन में इच्छा है ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़े, इसलिए आपकी इच्छाओं को जान करके मैं संसार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में दो शर्त है। बोले बताओ। बोले पहला शर्त है अगर आप बेटे बनकर के मेरे घर में आओ बेटर तो मैं शादी करूंगा। इसलिए देखो आप लोग भी इसका शिक्षा देते हैं तभी हमारी शादी सार्थकता है, अगर हमारे घर में भगवान आए, नहीं तो अगर घर में कोई भगवान की भक्त जन्म ग्रहण कर ले, सब जो तुम्हारी जो गृहस्थ जीवन है ना सार्थकता हो जाएगी। अगर भगवान नहीं तो भगवान नहीं हो, अगर कोई भगवान की कोई भक्त भी अगर तुम्हारे घर में जन्म हो जाए ना, तब जिस घर में एक भक्त जन्म लेता है उसका त्रिसप्त भी पिता पुत्र, त्रिसप्त माने तीन सात माने 21 पीढ़ी उसको उधार हो जाती, उसका पूर्वज लोग नाचना शुरू कर देते हैं, हैं? कहते हैं उनके पिता माता की जन्मदना सार्थकता हो जाते हैं, ये पृथ्वी भी सार्थकता हो जाती है। जिस घर में एक भक्त अगर किसी घर में जन्म ले जाए, हैं? बोले मैं तभी मैं शादी करूंगा। बोले ठीक है। बोले और क्या शर्त? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक बेटा नहीं हो जाए, बेटा जन्म हो जाएगा ना, फिर मैं तो भजन के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, भगवान आशीर्वाद दिया और देहूति और कर्दम ऋषि की शादी हो गई। जब शादी हो गई उसी समय में श्री कर्दम ऋषि कहते श्री मनु महाराज अपना बेटी देहूति को समझा रहे। देखो क्या समझा रहे हैं। बोले देखो बेटी तू अपना ससुर घर में जा रही हो, तुम्हारे ऊपर में ये ससुर घर और पिताजी का घर पीहर तुम्हारी ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई बेटी शादी होकर के जाए, अगर उसने बढ़िया काम किया, पिता माता की सेवा, सास ससुर की सेवा करती है, सबको आदर जतन देती है ना, उसमें किसका नाम होता है, किसका नाम होता है उसमें? बोलो। कहते हैं ना तुम्हारी पिता माता अच्छे संस्कार दिए। अगर कोई उल्टा पुलटा करे क्या बोलते हैं? फिर पिता माता यही सीखा है तुमको घर में, किसका बदनाम होती है? बोलो पिता माता की। इसलिए घर में जाकर के ऐसे कोई काम नहीं करना
जबकि पिता माता के ऊपर कोई अंगुल हमारी उठाए है, समझा करके भेजते हैं। घर में जाकर ठीक से रहना, सभी की सेवा पूजा करते हुए रहना, घर को सोने की संसार बनाना है, सोने की संसार बनाओ। लेकिन अभी कलयुग में ना सब धीरे धीरे उल्टा होने जा रही है। फिर ये फोन आ गया ना, ये फोन इतनी गड़बड़ी कर रहा है, इस सबको तोड़ रहा है। कुछ भी ससुर घर में कोई बात हो गया ना, जट अपना माँ को बाप को फोन कर देता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया। फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन पहले जो भेजते थे ना बेटी को, बोले देखो तुम्हारी अपना पियर में लाश आए, लेकिन घर से तुम नहीं आना, वहीं पर तुम अपना घर को संभालते, उसको ही अपना घर समझना, पियर को नहीं ससुर घर की अपना घर समझना। अच्छे तरह से समझा बुझा कर छोड़ते हैं, जब छोड़े अभी जब शादी हो गई। लेकिन ये तो ऋषि थे, कर्दम ऋषि, तब तो उन्होंने भजन में बैठी गए, भजन में बैठी गई तो अभी पति श्रृंगार नहीं करते, स्नान नहीं कर रहे, पति भोजन नहीं कर रहे, फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी। अभी उसने अपना पति प्रथा धर्म को पालन करते हुए उन्होंने पति की बहुत अच्छे तरह से सेवा, ऐसे सेवा की 10,000 साल सेवा की। जब 10,000 साल के बाद में आँख खुली, सामने देखा है कि टोकरी बैठी, वो भूल गए शादी उन्होंने किया, कब शादी किया, बोले तुम कौन हो, बोले आप भूल गए आपने कभी शादी किया था, भूल गए क्या, बोलो तुम वही देवती हो, बोले हाँ मैं वही देवती हूँ, बोले पहले कितने सुंदर थी, लेकिन पति की सेवा करते करते कैसे जट्टा पड़ गई, पति भोजन नहीं कर रहे, पत्नी भोजन कैसे करे, वो भी भोजन छोड़ दी है, इसलिए पति की सेवा करते करते वृद्धा हो गई। बोले बताओ तुमको क्या चाहते हो। देखो जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म जाचन करती हैं उसकी कितने शक्ति बताए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, बोले थे ना ठाकुर जी अगर आप बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा, तब ठीक है। उन्होंने बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो, वो स्नान करके जो वो निकली, पहले जितने सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर बनकर निकली, हजार हजार दास दासियां प्रकट हुई, ए उनको श्रृंगार की है, उनको बड़ी सुंदर श्रृंगार की। फिर ऋषि ने एक कामक विमान सृष्टि किए, कामक विमान मतलब जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा, डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं, और कितने विशाल कितने क्रोश तक, जिसमें सुंदर राजमहल बना हुआ, जितने सुंदर सरोवर है, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, जिसमें राज हंस क्रीड़ा करते ही, जहां पर पेड़ पौधा फल फूल से भरा हुआ, पहले ही सारी सब चीज पहले थी, और उन्होंने उनको पर बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण करते रहे। भ्रमण किया तो उनको बड़ी सुंदर सुंदर नाट उनकी कन्या हुई, बोले देवती अभी तो खुश हो गई ना, बोले नहीं अभी तो ठाकुर जी कितने दहेज देते है कि नहीं, लेकिन जिनके घर में भक्ति करे ना, भगवान की भजन करे, कितना करते हो तो कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर भगवान की भक्ति करोगे ना, भगवान सब व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे। जैसे नरसिंह भगत की बेटी की बेटी की भगवान ने भात भरने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। इसलिए एक समय ब्रह्मा जी उनको जो 10 बेटे थे नारद, वो बचपन से वैराग्य, उन्होंने 9 बेटों को लेकर के आए कर्दम ऋषि के पास। अभी बेटे बड़े हो गए, बेटियां भी इनकी बड़ी हो गई, देखा दोनों ही शादी के लायक है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जाना। इतने में कर्दम ऋषि भगवान से यही वर मांगे थे, तब तक संसार में रहूंगा जब तक मेरी बच्चा नहीं हो जाए। फिर उन्होंने घर छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बोले भजन के लिए। बोले भजन किस लिए करोगे, बोले भगवान मिलेंगे, ठाकुर को पाने के लिए भजन के लिए जाते हैं ना। बोले घर में तो भगवान स्वयं कभी देव मान गए, भगवान तुम्हारे घर में जन्म हुए ना, घर में भगवान बैठे हुए और घर की भगवान छोड़कर तू जंगल में जा रहे हो, जंगल क्यों जा रहे हो। देखो इसका रहस्य समझ लो, इसमें तीन हमारे टीकाकार ने 3 कारण बताए। पहला कारण बताए कि उनको पता है भगवान तो बेटे बन करके आए, लेकिन ये बेटा भी ज्यादा दिन घर में नहीं रहेगा, ये भी साधु बन करके जाएगा। अगर भगवान तुम्हारे घर में बेटे बने करके आए, अगर फिर साधु बन जाते कितना दुख की बात है,
बोले भैया तू साधु बनने से पहले नहीं साधु बन जाता। दूसरा कारण बताए, कभी ये भगवान को जो भक्ति करते थे मानते थे भगवान मेरे प्रभु है और मैं उनका दास हूँ, इनके अंदर में दास्य भक्ति थी। लेकिन देखा भगवान स्वयं बेटे बन कर के आए, आए तो भगवान को बेटे रूप में देखना पड़ेगा, और जो बेटे का जो भाव है ना वो बात्सल्य भाव है, जैसे माँ एक बेटे को देखती है। लेकिन इनके अंदर में दास्य भावना है, बोले भैया रस में भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए भैया घर छोड़ दो, घर छोड़ दिए। हाँ देखो सबसे जो श्रेष्ठ प्राण था, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, कहते जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक जीवन में साधन नहीं करेंगे, तब तक हमारी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हमें साधन करना पड़ेगा। है अगर साधन की बगैर भगवान भी तुम्हें मिला तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसे रावण, रावण का नाम जानते हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो, सब जानते हो। अब देखो रावण ने राम को देखा कि नहीं, बोलो बोलो देखा कि नहीं, तो देख कर क्या हुआ, कोई उधार हुआ है, सीता को उठा कर ले आए। फिर भगवान राम को साथ में युद्ध किया, युद्ध किया कि नहीं, मेघनाद का नाम सुने होंगे, वो तो लक्ष्मण को शक्ति से मारा, फिर नाग पास बंधन में बांध दिया। फिर इन लोगों ने भगवान को देख करके भी सुधर नहीं किया। कंस का नाम जानते हो, कंस ने भी कृष्ण को देखा, सारा जीवन तक कृष्ण को साथ में बैठ रखा, पुतना को भेजे, अगासुर को भेजे, बकासुर को भेजे, कृष्ण को देख करके साक्षात काल रूप में देख रहा था। दंत बकर शिशुपाल दंत बकर कृष्ण सामने खड़े हुए, 101 गाली ठाकुर को निकाल दिया। फिर इनको देख करके ठाकुर जी को कल्याण क्यों नहीं हो गया, ठाकुर जी को तो दर्शन कर लिया, मंगल नहीं हुआ उनका, मतलब क्यों नहीं मंगल हुआ, कारण है उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। अगर प्रेम नहीं होना, अगर ठाकुर को दर्शन करेंगे तो तुम्हारी कोई लाभ होने वाली नहीं, लेकिन प्रेम कैसे मिलेगा, जब हम साधन भजन करेंगे। और भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, कलयुग में केवल भगवान के थोड़ी नाम कीर्तन कर दो बस, इसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे, हम लोग कोई बोल नहीं रहे, जो जी हरे राम हरे राम राम राम, जोर जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अभी श्री करदम ऋषि भजन के लिए चले गए। अभी घर में दो व्यक्ति रहेगी, एक माँ और एक बेटा। लेकिन माँ को क्या पता मेरा जो बेटा ही भगवान है। देखो ज्ञान कितने, ज्ञान कितने महत्व है। अगर जिसके पास में ज्ञान होना, जगत में सबसे पूज्य वही बन जाता है। जगत का नियम क्या है, बेटा माँ को प्रणाम करे, माँ के पास में हाथ जोड़ करके प्रश्न करे, माँ बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। लेकिन यहाँ माँ उल्टा बेटे को प्रश्न कर रही है, क्यों, जिसको पास में ज्ञान है ना, भक्ति ज्ञान जिसको पास में, वो ज्ञान भक्ति उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसलिए माँ ने आकर के बेटे को पास में प्रश्न कर, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाति हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पीहर में कभी बेटे में कभी नाती में कभी पोते में। आप देखना पुरुषों का जितना संसार का चिंता है ना, ज्यादा चिंता किसको है, बोलो ज्यादा चिंता किसको है, माताओं को देखेंगे। पुरुष लोग तो पैसा कमा कर दे देते हैं, लेकिन घर को संभालता ही कौन है, कौन संभालती, माता है। इसलिए बोले तुम तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, एक जगह पर कहीं टिकती नहीं, इसलिए मेरे बताओ मेरी मुक्ति कैसे मिलेगा, ये मन को शांति कैसे मिलेगी। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान बताई। माता देवती की ऐसी बात नहीं, वो तो भगवान की माँ है, वो तो बहुत बड़ी है, हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। देखो भगवान माँ को उपलक्ष्य करके क्या ज्ञान दिया, बोले मन एव मनुष्यानां कारण बंधमस्यैव, बोले माँ जो मन है ना, ये मन सब कुछ है, ये मन को अगर प्रभु की चरण में लगा तो मुक्ति का कारण बन जाएगी।
अगर ये मन को विषय में लगा दो ये बंधन का कारण बन जाए है? ये मन को जैसे मन जैसे चलाता है ना तो सब ऐसे चलती है। जैसे मन ने बताया क्या बोले मन ने बोले भैया चलो कथा हो रही है कथा सुन करके आओ क्या हुआ अब यहाँ पर आग रह बैठे। अगर ये मन बोलता अरे कथा में जाकर क्या घर में टीवी खोल कर बैठ जाओ ना आज ही तो सिनेमा देखने के लिए जाएंगे कहीं घूम करके आए ये कथा सुनने से क्या होता है फिर क्या होता तुम्हारे सारे इंद्रिया कहाँ चलती सिनेमा में चल जाती यार यार दोस्तों पार्टी में जाते यहाँ पर नहीं आते इसलिए यही मन ही सब कुछ ना इसलिए मन को क्या करो ये मन को तुम सत्संग में लगा दो। बोले बेटा तुम तो बोल दिया मन को सत्संग में लगाओ मन को भजन में लगाओ। बोले बेटा ये मन इतने चंचल है वायु रेव दुष्करम वायु को हम बंद करके रख सकते लेकिन मन को बंद नहीं रख सकते हैं। ये पता नहीं है कि मिनट में सारा दुनिया घूम घाम करके ये मन आ जाता है इसलिए बेटा इतने आसानी बात नहीं बताओ ये मन को साधु संग में कैसे लगाएंगे हैं। तो भगवान कहते हैं बोले सता प्रसंगात मम वीर्य संपीतो भवन्ति हृतिका रसायक तथा ताज्वसन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनोक्रति सति। बोले मां ये मन को अगर तुम भजन में लगाना चाहते हो सबसे एक सरल उपाय बताता हूँ अगर इतना सा काम करोगे ना बस मन तुम्हारी भजन में लग जाएगी। बोले बोलो क्या करना बोले ये मन को संतों की संग में लगा दो इसलिए भजना बोले संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिछड़ी Yeah.
जोर से बोलो भाई, जय कोई है बोल जाए, जोर से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान बोले माँ संतों का संग करो, संत संग से ही जय जय संग करोगे ना धीरे 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 उनका रंग भी धीरे धीरे चढ़ने लग जाएगा। अगर एक चोर को पास में बैठे हो तो दो दिन बाद में चोर बन जाओगे, अगर एक शराबी को साथ में बैठे तो एक दिन तुम शराबी बन जाओगे, अगर किसी संतों को पास में बैठे तो क्या होने जाओगे, संत बन जाओगे। इसलिए माँ क्या करो, धीरे 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 संतों का संग करो। कहते संत संग से क्या होगा, बोले अ प वर्ग वर्धमनी, जो प वर्ग, प वर्ग मतलब प ह ब भ म, ये प वर्ग है। कहते जो प वर्ग है ना ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, मतलब जीवन में जो परिश्रम ये परिश्रम का सार्थक हो जाएगा। फ मतलब फेल झांक, ब मतलब व्यर्थ, भ मतलब भय, माँ मतलब मृत्यु। अगर ये सत्संग करोगे तो बस जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के ठाकुर के पास में पहुंच जाओगे। इसलिए माँ संतों की संग करो। फिर भैया ने पूछा, बोले बेटा तुम तो बोल दिया संतों का संग करो, लेकिन संतों का कुछ पहचान भी रहनी होनी चाहिए ना, अभिशेष करके कलयुग में तो संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। संतों का हम लोग साधारण लोग में क्या समझते हैं, जो मोटे मोटे तिलक हो, गला में कंठी हो, बड़े लाल कपड़े पहने हुए हो, हम इसको संत समझते हैं। लेकिन ये संतों का बाहर लक्षण, अंदर लक्षण नहीं। एक चोर भी तो ये चोला पहन सकता है, लेकिन इसको थोड़ी क्या संत समझेंगे हैं। इसलिए कहते बेटा माँ बताओ ये संतों का लक्षण क्या है। माँ ने बोले तो उन्होंने संतों का लक्षण बताए, बोले तिथिकार सर्वदेना अजात सत्रव साधा साधु साधु भी ब्रह्मभूषण। संतों का जो पहला लक्षण है तिथिकव, ध्यान देकर सुनो। आप सोचोगे साधुओं का मतलब हम जैसे कपड़ा पहने ना, साधु तो इसको कहते हो कहते हैं, हमारे शास्त्र में कहता है घर में अगर कोई रह करके भजन करता है वो भी साधु है। भागवत में देखो जितने सब कथा आएगा ना त्यागियों का भाग बहुत कम आएगा। प्रहलाद महाराज घर में थे, ध्रुव महाराज घर में थे, अम्बरीश महाराज घर में थे, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ, सब गृहस्थ है। गोपियाँ घर में थी, ये गोपियाँ घर में थी, जितना त्यागियों का कथा बहुत कम है इसमें, प्राय करके गृहस्थ लोगों का सब कथा है। इसलिए हमारे चैतन्य भागवत में बताए गृही हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं, भक्त भेद करने से खुद भी पाके जाए, मतलब है वो घर में रहो नहीं तो घर में रहो कहीं भी रहे, लेकिन भगवान की जो भजन करता है ना, जो जितना भक्ति करता है वो उतना बड़ा साधु है। इसलिए आप लोग माता जी बात मत करो, चुप बैठे वहाँ पर। इसलिए आप हैं जो जहाँ पर रह करके जो जितने प्रभु का भजन करते हैं वो उतना ही बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए बल भैया साधु का लक्षण किया, हाँ देखो घर में भी ये बात समझो, पहले संतो भक्तमा जी लक्षण है। कहते साधु का क्या लक्षण, पहला लक्षण तितिक्षव, तितिक्षव मतलब होता है सहन करना। इसलिए जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो ना सहे, कहीं भी रहना, मठ में भी होना, तुम मंदिर में भी, घर में भी होना, जहाँ पर रह कर ये सहन शक्ति तुम्हारी होगी वहीं पर देखना बढ़िया चलेगा। अगर थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ा पड़े, थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे तो संसार में शांति सुख रहेगा, संसार में शांति सुख नहीं रहेगा, मंदिर में भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं रहेगा। इसलिए कहीं भी रहो क्या करते हुए रहो, भगवान की भक्ति करते हुए रहो, सहन करो। हाँ देखो छोटी छोटी कथा सुनो, ध्यान देकर सुनो, मन लगा कर ये कथा सुनाने के बाद फिर मैं पूछूंगा, देखूंगा मेरे को सुना पाएगा नहीं तो खड़ी कर दूंगा। इसलिए एक मन से सुनो। देखो एक समय की बात है, भले मंदिर में कोई एक साधु रहता था, उसका रोज काम था घड़े से पानी भर करके जमुना से लाता था और ठाकुर का अभिषेक करता था। एक दिन क्या हुआ, कोई कुछ गड़बड़ी किया तो गुरुजी ने डांट लगा दिया। डांट लगाया तो बोले हम घर बार छोड़कर कितना लेखा बड़ा सीख करके आए भजन करने के लिए, गुरुजी मेरे को टोकते हैं, गुरुजी हमें शासन करते हैं, और मैं मंदिर में नहीं रहूँगा, मैं घर में चले जाऊँगा।
और मैं मंदिर में रहकर घर में चला जाता। उसका रोज काम था यमुना से पानी, मिट्टी का कलश में पानी भर करके लाता था। सोचा जब आज पानी लेने जाऊंगा मटकी को वही यमुना किनारे में रख करके घर में चला जा। जब वो मटकी को रख करके जलना मटकी था ना, बोल पड़ा, बोले इंदिरा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले घर में। बोले क्यों? बोले तुमने देखा नहीं गुरु जी मेरे को डांट लगाए, मैं इतना सेवा करता हूँ दिन भर गुरु जी डांटते रहते हैं मेरे को, मैं तो घर में जा रहा हूँ। बोले देख बेटा मेरी कथा सुन ले, आज मैं कैसे पानी भर करके ठाकुर का अभिषेक मेरे से होता है और देखो मेरे से सुगंध भी निकल रहा है, सुगंध निकलता है ना मेरे से, क्योंकि जब सेवा करते हैं ठाकुर को अगुर कर्पूर चंदन से सेवा करते हैं और बारंबार कलसी से पानी डालते हैं, उसी हाथ से जब कलसी में लगाते हैं बारंबार और मिट्टी का पात्र, मिट्टी के पात्र से भी सुगंध निकलता है और मेरे पानी से ठाकुर जी रोज स्नान करते। देख मेरी कथा सुन ली, कहते मैं पहले कहाँ पर था, बोले लोग जहाँ पर टाटी पेशाब करते ना मैं वहीं का मिट्टी था, एक कुम्भार ने वहां की मिट्टी लाया। अब देखे होंगे मिट्टी का पात्र कैसे बनता, देखे हो कौन कौन देखे हो मिट्टी के पात्र कैसे बनता है देखे हो? कहते वहां से मिट्टी लाए, मिट्टी लाकर क्या किया, पहले मेरे को धूप में सुखा दिया, इतने कड़ी धूप में जेठ महीना का धूप उन्होंने मेरे को सुखाया, सुखने के बाद तभी मेरे को नहीं छोड़ा, डंडे से मार 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 करके मेरे को एकदम पाउडर जैसे बनाया, तभी नहीं छोड़ा, मेरे को पानी में डुबोया, खूब पानी डाला तब भी नहीं छोड़ा, प्यार में रोंद 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 करके मेरे को मुलाये बनाया तब भी नहीं छोड़ा मेरे को। अब देखे होंगे मिट्टी का पात्र चक्का के ऊपर, चक्के के ऊपर बनाते हैं ना, फिर वो चक्के के ऊपर मेरे को डाल दिया, डाल करके मेरे को एक पात्र बनाया। अब देखना पीछे से हाथ रख करके डंडा रहता है, डंडे से मार 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 करके उसको एकदम मुलायम बनाते, तभी मेरे को नहीं छोड़ा, फिर धूप में रख दिया सुखाने के लिए, ए कड़ी धूप में जेठ महीना धूप में इतनी कड़ी धूप में रखा तब भी नहीं छोड़ा, घाटी में चढ़ाया। देखो घाटी कैसे चढ़ाते, अंदर में कोयला और अंदर में लकड़ी डाल करके ऊपर से एकदम पोत देते हैं, वहां से हवा तक भी नहीं निकले, अंदर में डाल देते हैं, चार पांच दिन तक जलते 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 क्या होता है एकदम लाल बन जाता है। ऐसे मेरे को आग को जलाया तब भी नहीं छोड़ा, मार्केट में बेचने के लिए ले गया। क्या करता है आप मार्केट में देखना, जब जो व्यक्ति ये मिट्टी का कलसी बेचते है ना, एक डंडा रखते हैं, जो आता है कान पकड़ता है डंडे से मारता है, पता चलता है ना ये फटा हुआ ना सही है, जो आए कान पकड़ के उठाए और मारे डंडे, और मारते मारते किसी भाग्यवशत तेरे गुरुदेव आ गए, तेरे गुरुदेव आ करके मेरे को खरीदी करके ले आए, अल्लाह करके क्या करते हैं ठाकुर की रोज ठाकुर की यमुना जल भर कर लाते हो और इसी पानी से ठाकुर को सेवा में लगता हूँ और हाथ में कर्पूर अगुर चंदन लगते लगते देखो मेरे शरीर से भी खुशबू निकलता है, कितने कष्ट सहन किया तब ठाकुर की सेवा में लग पा रहा हूँ, ऐसे नहीं लग पा रहा हूँ। और गुरु जी थोड़ा डांट लगा दिए, गुरु जी वैसे थोड़ी डांट लगाए, तुमने कुछ गलती किया ना, तब तो गुरु जी बोले है पिता माता जैसे बच्चे को डांट लगाते शासन क्यों करते हैं, वो अपना बेटा मान करके, अगर अभी उसको शासन नहीं करके तो बड़े बन करके ये क्या बन जाएगा, अवारा बच्चा बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए पिता माता क्या कहते हैं नहीं स्मार्टफोन में नहीं देखना दिन भर, पढ़ाई करो, अब पेपर आ गया उठो पढ़ो, क्यों जानते पढ़ाई लिखाई करेगा भविष्य में अच्छा बनेगा, तभी तो शासन पिता माता कहते हैं ना उसको कल्याण, गुरु जी तेरे को शासन क्यों किया है, किस लिए, तो कुछ गलती किया है, गलती किया तभी तो गुरु शासन किए, इसलिए जो जितने शासन सहता है वो उतना ही, जैसे कुम्भार को देखे जो बनाता है लोहे के जो हथियार बना, देखे आप लोग ने कुम्भार को क्या करना है, है? लोहार लोहे को डालेगा गर्म हो जाएगा ना निकालेगा खूब पीटेगा, पीट पीट कर खाद में निकालेगा, फिर पानी में देगा, फिर आग में देगा, फिर निकालेगा पीटेगा, पीटते पीटते मारते मारते सारे खाद निकाल देगा, फिर ऐसे उसमें हथियार बनता है ना लोहे लोहे को काट देता है, लोहे लोहे को काट देता है, इसलिए बेटा घर में मत दिया करो, सीधा पकड़ो पानी घर घर ले चलो, अभी गुरु जी अपने क्या कर रहे हैं ठाकुर जी की अभिषेक होने वाले, फिर उन्होंने भैया बात तो सही है, फिर पानी भर करके लाए, समझ रहे कि नहीं, इसलिए अगर जीवन में सुख में रहना चाहते हो भक्ति करना चाहते हो पहला गुण क्या होनी चाहिए, बोलो सहन शक्ति,
जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश हो जाए। इसलिए बात बात में क्रोध नहीं करना है, ठीक है ना, बात बात में गुस्सा नहीं करनी, नहीं करके क्या करनी चाहिए, हर चीज को सहन करने के लिए सीखो। इसलिए पहले पहला गुण क्या है, तितिक्षा भव। दूसरा गुण क्या है, कारुणिक। संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए बोले ना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी लेकिन संतों का हृदय